एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ पजल के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिए हैं सो so, ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा वहां से आप लोग जो फ्री मॉक है उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेज बेस्ड क्वेश्चन से ओके so, सो डेज बेस्ड जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे एंड इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे रैंकिंग एंड ऑर्डर उसका जो एक पजल है उसे सॉल्व करेंगे एंड इसी के संग हम लोग एक जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो बेसिकली हम तीन टाइप के जो क्वेश्चंस है उन्हें यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे कि उनकी सही अप्रोच से हमें कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए क्योंकि देखो जो आपका आईबीपीएस क्लर्क होता है उसका लेवल इजी होगा तो so, उसका लेवल इजी होगा तो आपके लिए करीबन थर्टी में से थर्टी या थर्टी जो है अटेम्प्ट करना एक अच्छा अटेम्प्ट होगा अगर आपकी मैथ्स वीक है तो क्योंकि ऐसा होता है अगर आपकी मैथ्स वीक होती है तो आपके पास खाली एक ऑप्शन होता है रीजनिंग क्योंकि इंग्लिश तो ऐसा होता है किसी की अच्छी होती है किसी की नहीं अच्छी होती है. किसी की होती है तो बहुत अच्छी होती है ओके okay, तो मतलब आप समझ रहे होंगे तो इस वजह से आपका जो रीजनिंग होता है यही एक एक ऐसे सेक्शन होता है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे है आपका पूरा क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे नीचे हिंदी में है ऊपर इंग्लिश में है आप जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं उसमें इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए एंड इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आप सॉल्यूशन देखें तो आप लोगों को सही से विजिबल हो पाए चलिए यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सो so, यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि इन अ क्लास सेवन स्टूडेंट्स ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन आर टू बिकम दर सो द्लास टीचर मोनिटर ऑन डिफरेंट डेज इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे तो यहाँ पे जो आपके क्लास है इसमें जो आपके सेवन स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम गिविन है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन इनको नॉमिनेट करा जाता है मॉनिटर बनाने के लिए मॉनिटर बनने के लिए एंड इसमें जो इनकी टीचर होती है वो क्या करती है आपका डेली एक वीक में मतलब एक मॉनिटर को रखती है ओके okay? एंड जो वीक इनका स्टार्ट हुआ है ये संडे से हुआ है मैंने एक डाउट सेशन बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे मेंशन है कि ये लोग वीक कहाँ से स्टार्ट करवाएंगे अपना क्वेश्चन में तब तो आप उनके अकॉर्डिंग वीक को स्टार्ट करोगे जो भी वहां पे मेंशन होगा उस डे से लेकिन कहीं भी अगर मेंशन नहीं होता है तो आप क्या करोगे बाय डिफॉल्ट मंडे से ही हमेशा अपना जो आपका वीक होता है उसको स्टार्ट करोगे और संडे को एंड करोगे राइट right? चलिए अब इन्होंने संडे से स्टार्ट करा है तो हम लोग यहाँ पे संडे से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले संडे फिर मंडे ट्यूजडे वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं ए थ्री बिकम मॉनिटर थ्री डेज आफ्टर ए फोर तो आफ्टर यानी कि तीन दिन के बाद आपका मॉनिटर बनता है किससे जब आपका A4 बनता है. ओके okay, तो A4 के तीन दिन बाद जो का जब यहां लिखा होता है थ्री डेज गैप तब तो आप क्या करोगे यहाँ पे तीन दिन का गैप करके चौथे दिन देते हो बट थ्री डेज आफ्टर लिखा होता है या थ्री डेज बिफोर या फिर टू डेज आफ्टर टू डेज बिफोर तो फिर आप क्या बांते हो कि ये थर्ड या फिर तो अभी आप अगर इसे फिक्स करते हो तो अगर फोर यहां पर आता है दो का गैप करके थ्री यहां पर आ जाएगा फोर यहां आता है दो का गैप करके थ्री यहां आ जाएगा फोर यहां आता है दो का गैप करके थ्री यहां आ जाएगा तो अभी तीन चार पॉसिबिलिटी बन रही है तो अभी हम इसे स्किप करते हैं आगे के गिवन है ए सेवन बिकम द मॉनिटर इमीजिएटली बिफोर ए थ्री तो ए सेवन जो है वो तुरंत आपका थ्री से पहले बनता है तो आप देखोग लिख लोगे यहाँ पे कि ए थ्री से तुरंत पहले जो है वो कौन मॉनिटर बनेगा यहाँ पे ए सेवन देन ए फाइव इज नॉट द मॉनिटर ऑन थर्सडे ए फाइव जो है वो आपका थर्सडे को मॉनिटर नहीं बनता है तो आप यहाँ पे थर्सडे को लिख सकते हो कि ए फाइव जो है वो थर्सडे को मॉनिटर नहीं बनेगा देन ए वन बिकम्स द मॉनिटर निदर ऑन फर्स्ट डे नॉर ऑन द लास्ट डे तो ए वन जो है वो आपका फर्स्ट डे एंड लास्ट डे मॉनिटर नहीं बनेगा तो आपका फर्स्ट डे इनके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे संडे और लास्ट डे इनके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे सैटरडे ओके, okay. देन आगे गिवन है ए सिक्स डज नॉट बिकम मॉनिटर बिफोर ए फाइव तो ए सिक्स जो है वो आपका फाइव से पहले नहीं बनेगा मॉनिटर तो आपका फाइव से पहले नहीं बनेगा तो यानी कि ये ए फाइव के बाद जो है ए सिक्स मॉनिटर बनेगा ओके okay. देन देयर इज वन डे विटवीन द डेज विच ए सेवन एंड ए फाइव बिकम द मॉनिटर तो यहाँ पे आपका ए सेवन एंड ए फाइव के बीच में एक का गैप आएगा ए फोर इज नॉट ऑन नॉट द मॉनिटर ऑन ट्यूजडे ए फोर जो है वो ट्यूजडे को मॉनिटर नहीं बनेगा तो ये यह आपका यहाँ पे स्टेटमेंट थे वो गिविन थे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसका सोल्यूशन uh, जो है उसे कम्प्लीट करते हैं इसका जो डायग्राम है उसे कम्प्लीट करते हैं जो हिंड गिविन है उसकी हेल्प से अगर आप ए फोर को पिक करते हो क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस इसी में है तो ए फोर यहां आता है तो वन टू थ्री यहां पे ए फोर यहां आता है तो वन टू थ्री यहाँ पे जैसे कि अभी हमने हमने देखा था कि इसमें आपकी जो चार पॉसिबिलिटी है वो बन रही थी तो अभी हम क्या करते हैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं कनेक्ट कैसे करोगे जैसे कि आप देखो ये वाला जो पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है इन दोनों को मिलाओ जैसे कि आपका देखो मैं यहाँ पे ए फोर की जगह खाली फोर ले ले रही हूं बिकॉज ए सब में कॉमन है ओके तो यहाँ पे देखो फोर एन वन टू थ्री यहाँ पर आ जाएगा राइट right? जैसे कि जो आपका यहाँ पे गिवन है कि फोर ऊपर रहेगा और उसके दो दिन के बाद क्या आएगा तीन आएगा तो ये ऐसे ही हम उतार लेंगे इसके बाद जो गिवन है ए सेवन एंड ए थ्री का कि सेवन जो है वो थ्री के जस्ट ऊपर आएगा तो जो ये वाला डैश है इसकी जगह पे क्या आएगा यहाँ पे ए

के अकॉर्डिंग पे नीचे की ओर काउंट होगा तो यहाँ पे हम जो बीच का एक गैप देंगे वो जो थ्री वाली सीट है उसमें देंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका फाइव एक का गैप करके यहाँ पर आ जाएगा आपका फाइव अब जो ये वाली आपकी कंडीशन है ये कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएंगी लाइन से कि फोर एक का गैप सेवन थ्री एंड फाइव इसको हटा देंगे then five के नीचे सिक्स आएगा तो फाइव के नीचे सिक्स आएगा तो अभी हमें ये नहीं पता है कि इमीजिएटली आफ्टर आएगा second, फिर उसके बाद सेकंड डे पे आएगा या थर्ड डे पर आएगा लेकिन इसके नीचे आएगा तो हम यहाँ पे सिक्स इस तरीके से लिख लेते हैं कि हमें ये पता रहे कि फाइव जो है वो सबसे नीचे भी नहीं आएगा तो ये जो हम यहाँ पे देखेंगे उससे हम क्या कर रहे हैं अपनी जो पॉसिबिलिटी बन रही है उनको यहाँ पे कट कर रहे हैं अब देखो इनको हम कहा सेट कर सकते हैं अगर मैं फोर यहाँ सेट करती हूँ तो एक का गैप करके सेवन यहाँ पर थ्री यहाँ पर और फाइव यहाँ पर आ रहा है लेकिन फाइव यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज थर्सडे को फाइव मना करा गया है इसका मतलब ये जो लाइन है ये गलत है अब हम इसे हटा देंगे ये मैं लिख रही हूं लेकिन आप ओरली समझ सकते हैं ओके देन अगर फोर में यहां लिखती हूं तो एक का गैप करके सेवन यहां पे थ्री यहां पे और फाइव यहाँ पे अब आप देख रहे हो यहां पे सारी कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो रही है इसके अलावा जो फोर जो है वो यहां नहीं आ सकता क्योंकि पहली ट्यूजडे को मना करा गया है तो इस वजह से आ ही नहीं सकता एंड इसके नीचे फोर नहीं जा सकता क्योंकि फिर आप देखोगे एक का गैप करके सेवन और थ्री और फिर फाइव और जो सिक्स है उनके लिए स्पेस नहीं बचेगा तो इसका मतलब आप देखो चार जो पॉसिबिलिटी बन रही थी उसे खाली एक ही पॉसिबिलिटी निकल कर आ गई और इसी में हमारा आंसर आएगा फाइव के नीचे सिक्स आएगा तो सिक्स यहां पर आ जाएगा वन जो है वो ऊपर नहीं आएगा तो वन यहां पर आ जाएगा और टू जो है वो ऊपर की ओर आ जाएगा सो इट्स वेरी अगर आप इन तीन पॉइंट को यहां पे इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हो तो आप बहुत ही जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व बिना किसी एक पॉसिबिलिटी के भी कर पाओगे खाली एक ही आपका डायग्राम बनेगा पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं यहाँ पे. Okay? तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है यहाँ पे खाली आपका जो पहला डायग्राम बनेगा उसी में आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा अब इसे क्वेश्चंस को देखते हैं सो so गिवन है ए फोर बिकम्स अ मॉनिटर इमीडिएटली बिफोर ए फोर जो है वो मॉनिटर बनता है किससे तुरंत पहले तो ए फोर कहा है यहां पर है ए फोर किससे तुरंत पहले बनता है आपका ए वन से तो या तो आपका ऑप्शन में ए वन होगा या फिर ऑप्शन में होगा ट्यूजडे तो आप देखो ये किससे पहले बनता है तो ऑप्शन में हमारा ए वन गिव है सो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं तो यहाँ पे गिवन है कि ए फाइव इज द मॉनिटर ऑन विच डे ओके तो ए फाइव जो है वो किस दिन मॉनिटर बना है ये आपको बताना है तो ए फाइव किस दिन मॉनिटर बना है तो ये आप बता सकते हो ए फाइव कहाँ पर है एव यहाँ पर है किस दिन मॉनिटर बना है फ्राइडे को सो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर देन हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन द डेज ऑन विच ए टू एंड ए फाइव बिकम द मॉनिटर तो ए टू एंड ए फाइव के बीच में कितने दिन आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितने दिन है वन टू थ्री एंड फोर तो चार दिन होंगे सो ऑप्शन नंबर फोर इज अ करेक्ट आंसर इसमें भी फोर लिखा है और ये फोर नंबर पे भी है तो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे फर्स्ट डे एंड लास्ट डे पूछा है respectively बताना बताना okay? ओके आगे पीछे मत बताना. तो इसको देखो और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए फिर ऑर्ड वन आउट है देखो ऑर्ड वन आउट के दो तीन तरीके होते हैं जो डेज वाला होता है उसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन सा लगेगा वो तो हम देख ही लेंगे Uh, जैसे कि आपको बताया जाता है जब आपका डेज होता है तो आपका ऑड वन आउट जो होता है वो वीकेंड या फिर वीक डेज सॉरी हॉलीडे ओके एंड हॉलीडे और जो वर्किंग डे होते हैं उसको लेके लगाया जाता है जैसे कि आपका हॉलीडे वाला एक दे देंगे वेरिएबल और बाकी के जो चार हैं वो आपके कैसे दे देंगे वर्किंग डे में दे देंगे ओके okay? या फिर आपको uh, ओके okay, इस तरीके से आपको यहाँ पे दे देते हैं या फिर क्या करते हैं जैसे कि इन्होंने मंडे से स्टार्ट करा है मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे इस तरीके से स्टार्ट करा है तो आपको चार जो है वो कैसे देंगे वन टू थ्री एंड फोर आपका इवन नंबर वाला दे देंगे और एक ऑर्ड वाला दे देंगे ओके okay? इसमें भी आपका इवन आउट चलता है अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फर्स्ट डे कौन सा होता है मंडे का सेकंड डे होता है ट्यूसडे का थर्ड डे होता है वेडनेसडे का का फोर्थ होता है थर्सडे तो आपका इवन जो होता होता है है वो इस डेज में भी होता है. तो आपके जो कंडीशन है वो इस पर भी आपका लगा के ऑर्ड वन आउट ये लोग लगा देते हैं ओके okay? तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना इसमें देखते हैं इन्होंने क्या करा है तो ये कह रहे हैं ए वन ए सेवन ए वन का है ए वन यहाँ पर है ए फोर यहाँ है और ए सिक्स यहाँ पर है अब देखो इन्होंने क्या लगाया इन्होंने ये लॉजिक लगाया है कि ये जो चार है, ये आपका लगातार आ रहे है और जाएगा राइट चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये है आपका क्वेश्चन रैंकिंग एंड ऑर्डर पे बेस्ड काफी छोटा सा क्वेश्चन है तो आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और ऐसा छोटा सा क्वेश्चन जो है वो आपका एक या दो मार्क्स में जो आपका क्लर्क एंड पीओ होता है उन दोनों में ही पूछा जाता है रैंकिंग एंड ऑर्डर पे ज्यादातर आप पूछे जाने लगे हैं ज्यादा मार्क्स के नहीं लेकिन एक दो मार्क्स के होते हैं और एक दो मार्क्स ही काफी होता है चलिए तो यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि देअर आर सिक्स फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सिक्स फ्रेंड्स हैं एंड उनके नेम गिविन है ए बी सी डी ई एंड के हु स्टडी इन द सेम क्लास तो ए बी सी डी जो है वो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं दे ओपटेन डिफरेंट मार्क्स इन मैथमेटिक

टू एंड वन ओके तो ई स्कोर द हाइएस्ट तो ई को जो हाइएस्ट मिला है मतलब ई e ने हाइएस्ट स्कोर करा है तो ई e सबसे टॉप पे रहेगा या फिर देखो ये रैंक वाला क्वेश्चन है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो उल्टे का मतलब नंबर इस तरीके से भी डाल सकते हो कि जिसके सबसे हाईएस्ट स्कोर है उसकी रैंक वन जिसके सबसे लोएस्ट है उसकी रैंक सिक्स ओके मतलब कोई भी तरीका आप लिख सकते हो बट यही लिखना कि जिसका हाई स्कोर है वो ऊपर की ओर रहेगा एंड जिसका स्कोर कम होगा वो नीचे की ओर रहेगा ओके फिर यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि अः ए स्कोर मोर मार्क्स देन ओनली टू स्टूडेंट ए के जो है खाली दो स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो दो का गैप करके ए यहाँ पर आ जाएगा नंबर फोर पे या फिर उसको रैंक मिलेगी फोर देन बी स्कोर मोर देन ए बट लेस देन डी तो बी जो है उसके स्कोर जो है वो ए से तो ज्यादा होगा लेकिन डी से कम होगा तो बी का स्कोर जब ए से ज्यादा और डी से कम होगा तो उसको आप इजिली लिख सकते हो बी यहाँ पे और डी यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर खाली दो ही स्पेस है दो का ही स्पेस है और एक ही ऊपर भी हमें यहाँ पे दो लोगों को ही देना है तो हम इजिली इसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं देन गिवन है सी डॉट स्कोर द लीस्ट सी की सीस्ट नहीं आएंगे एंड तो यहाँ पर जो के है उसकी रैंक होगी सबसे लीस्ट जिसको मिलेगा आपका सिक्स नंबर तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे तो इसका क्वेश्चन काफी अच्छा है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे देंगे इट्स वेरी ईजी कि अगर सी के स्कोर थर्टी टू मार्क्स आता है देन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इंक्रीज इन अर्थमेटिक विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ थ्री देन वुड बी दर मार्क्स ऑफ बी ओके अः देखो कुछ नहीं है आपको खाली ये देखना है कि किसका देखो जैसे कि मैं दिखा देती हूं ओके okay? जैसे सी के थर्टी टू मार्क्स है ओके okay? तो इनके में एक कॉमन डिफरेंस रहेगा तीन का तो तीन का कॉमन डिफरेंस रहेगा तो ये जो डिफरेंस है ये ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और ये ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा तो आपको प्लस करते हुए बताना है कि जो डी का स्कोर है वो कितना यहाँ पे आएगा काफी ईजी है आप इसको लॉजिक लगाइए लॉजिक क्या मैंने खुद ही बता दिया सारा अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आप कैलकुलेशन करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर जो है वो करेक्ट क्या होगा देन सेकेंड गिवन है कि अगर के के थर्टी वन स्कोर आते हैं देन बी के स्कोर जो है वो फोर्टी थ्री आते हैं तो डी का स्कोर कितना होगा देखो ई डी B, A, C एंड K. तो so, यहाँ पे गिवन है कि आपका K का 31 है B का 43 है तो D का क्या होगा ये आपको बताना है वॉट कुड बी क्या हो सकता है तो so, देखो यहाँ पे जो भी 43 से ज्यादा होगा ऑप्शन में वो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो आप देखो 43 से ज्यादा जो है इस ऑप्शन में कौन सा स्कोर है तो वो है आपका 46 तो so, जो 46 सिक्स गिवन है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बाकी आप देखोगे सारे ऑप्शन जो है 43 से कम है 39, 29 एंड 40 तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे 46 ओके अब मूव करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन के ऊपर यहाँ पे आ, आ, बोलेंगे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई का फ्री आ, जो फेवरेट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को उसमें बहुत बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है हालांकि ऐसा टॉपिक ये है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को जान जाते हैं इसका जो मेन मीनिंग होता है ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ फादर इन लॉ इन सबका मीनिंग आप जान जाते हो तो बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो ओके तो प्लीज यहाँ पे आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए जितने भी पर्सन आप हिंदी प्रीफर करते हैं वो लोग जरूर ले लें क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रहता है तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं तो बोलूंगी एक बार प्लीज इसे इस अटेम्प्ट करके देख लीजिए ओके इजी क्वेश्चन है आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ओके गिवन है फैमिली कंसिस्ट ऑफ सेवन मेंबर ए बी डी ई के एल एन आर देर आर टू मैरिड कपल्स इन फैमिली जिसमें आपकी तीन जनरेशन होंगी तो यहाँ पे आपके तीन जनरेशन होंगी और दो मैरिड कपल होंगे तो उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं और थ्री जनरेशन होंगी तो तीन यहाँ पे लिख देते हैं डॉटर ऑफ ई तो आर जो है वो डॉटर है किसकी ई e की तो आर डॉटर है तो देखो फीमेल को मैं क्या करूंगी पे आपका सर्कल से दिखाऊंगी एंड जो मेल है उनको स्क्वायर से यहाँ पे शो करूंगी तो so, आर जो है वो क्या है डॉटर है ई e की तो आर डॉटर है तो आर के लिए हम यहाँ पे फीमेल का जो आपका साइन होता है सर्कल उसे दिखा देंगे लेकिन ई e के बारे में नहीं पता है कि ई e मेल है या फीमेल है तो अभी हम इसे छोड़ देंगे आगे की दिन है ई हू इज द ओनली डॉटर ऑफ बी ओके ई के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ई जो है वो खाली ओनली डॉटर है

आप देखोगे ए जब यहाँ पे फीमेल नहीं है तो ए यहाँ पे क्या होगा आपका मेल होगा एंड बी जो है वो क्या होगी यहाँ पे फीमेल होगी क्योंकि ये दोनों क्या है एक मैरिड कपल है देन देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन फैमिली तो यहाँ पे कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है फैमिली में सिंगल पेरेंट नहीं है यानी कि जो ई e की डॉटर आर है इसका मतलब यहाँ पे इसके भी कौन होगा हस्बैंड होगा ओके okay? देन आगे गिवन है देन नंबर ऑफ मेल्स इन द फैमिली इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली तो जो मेल्स हैं वो ज्यादा होंगे किससे फीमेल से यहां पे क्योंकि सेवन है ठीक तो है तो सेवन है तो इनका स्कोर क्या होगा फोर और थ्री होगा या फिर आपका फाइव और टू होगा इससे इससे कम नहीं होगा क्योंकि आप देखोगे ऑलरेडी हमने तीन फीमेल यहाँ पे बना चुके हैं तीन फीमेल बना चुके हैं यानी कि आपका जो रेशियो है वो वो कौन सा होगा यहाँ पे 4 इस का आपका 4 जो है वो मेल होंगी, और फीमेल जो है वो थ्री होंगी? होंगी अब हम बाकी जो ये है इसे फिक्स कर देते हैं सो तो ए के दो चाइल्ड दिखाए हैं सॉरी दो चिल्ड्रन दिखाए हैं के और डी तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं के और डी अब के और डी मेल होंगे या फीमेल होंगे कैसे पता चलेगा देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई थी कि ई e, who is a only daughter of B तो E जो है ये only daughter है किसकी B की तो E जो है वो only daughter है इसका मतलब जो बाकी के इसके चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे इसके son होंगे राइट right? तो यानी कि जो ए के डी और के चिल्ड्रन है ये क्या होंगे यहाँ पे इसके सन होंगे और बाकी का जो एक पर्सन बचा है वो कौन होगा यहाँ पे ई e का हस्बैंड होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट नहीं होंगे और ई e जो है वो आर की मदर है इसका मतलब आर के यहाँ पे फादर भी होंगे तो आर के फादर यहाँ पे कौन होंगे एल तो इस तरीके से आपका जो ये डायग्राम है वो यहाँ पे बन के आएगा ओके okay, तो आप देखोगे कुछ भी नहीं था काफी इजी था इसके क्वेश्चन को देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर हाउ इज एल रिलेटेड टू डी जो एल है वो डी से कैसे रिलेटेड है तो दोनों का आंसर देखो सेम है चाहे आप ये पूछ लो कि एल जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है या ये पूछ लो डी जो है वो एल से कैसे रिलेटेड है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है अगर डी के बारे में पूछोगे तो ये एल का कौन लगता है ब्रदर इन लॉ अगर एल के बारे में पूछोगे तो ये डी का कौन लगता है ये भी ब्रदर इन लॉ लगता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हाँ लेकिन यहाँ पे अगर, अगर आपका जैसे कि डी आपकी फीमेल होती तो यहाँ पे जो डी है वो एल की कौन होती सिस्टर इन लॉ ओके देन हाउ इज द मदर ऑफ सिस्टर ऑफ डी इज रिलेटेड टू आर फादर तो मदर ऑफ सिस्टर ऑफ डी तो यहाँ पे आप देखोगे जो सिस्टर है डी की ई e. E की मदर बी तो बी के बारे में पूछ रहे हैं तो बी जो है वो कैसे रिलेटेड है आर के फादर से तो आर के फादर कौन एल तो किसका रिलेशन पूछा गया है कि बी जो है वो एल से कैसे रिलेटेड है तो बी जो है वो एल की कौन लगती है ये इसकी वाइफ की यहाँ पे मदर है यानी कि इसकी कौन हो गई यहाँ पे मदर इन लॉ तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मदर इन लॉ तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है खत्म ऐसे ही सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो प्रैक्टिस मॉक की साइट है उसे जरूर विजिट करें एंड अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और इंक्रीज करें एंड अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वैसे ही जो सेशंस होते हैं उनको इंप्रूव करा जाएगा बाकी की जो प्लेलिस्ट है उसको यहाँ पे लगा दिया गया है जिसमें आपके वेरियस टाइप के पजल्स हैं एंड लेसन बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे उसको आप इस प्लेलिस्ट में जाके व्यू कर सकते हैं एंड अब आपके डेली एमसीक्यूज जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं लगातार मॉर्निंग में तो उसे जाकर आप जरूर व्यू करें अगर आप वो डेली एमसीक्यूज कर लेते हैं तो उसमें आपका स्टेटिक पोर्शन जो है वो भी लगातार कवर हो रहा है आपका तो जो आपके वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन जो है वो आप डेली कर सकते हैं अगर आप एक वीडियो को दो बार भी देखते हो तो वो आपके लिए सफिशियंट होता है आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जीके एंड सी ए में okay? तो वो आपका आठ नौ बजे अपलोड होते हैं तो उसको भी जाकर आप जरूर व्यू करें बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो हैव डे